अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाह भाभी जी वाह, क्या जबरदस्त पार्टी का आयोजन किया आपने। थैंक यू सो मच तिवारी जी। ये सारा इंतजाम जो देख रहे हैं, सारा इंतजाम मैंने किया सिंगल हैंडेडली। खर्चा तो भाभी जी ने किया है ना। तुलना कर रहे हैं भाभी जी के साथ अपनी। तुलना क्यों ना करूं अनु के साथ, क्यों ना करूं। आज अनु जो कुछ भी है मेरी वजह से, इसको मैंने 100% सपोर्ट दिया है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कहते कि नहीं कहते। लेकिन हमारे मिश्रा खानदान में एक ट्विस्ट है, ये हमारी जो अनु जी हैं कामयाब इज्जतदार, इनके पीछे एक ट्रूसम हैंडसम बंदे का हाथ है, एंड दैट्स मी विभूति नारायण मिश्रा। प्लीज गिव मी अ बिग हैंड एवरीबॉडी। हैंड तो मुझे ही ताली कम से कम। अरे कोई नहीं बजा रहा यार, तो मैं कैसे अकेला बजाऊं। Guys, let's party and let's play the music. Let's groove. क्या है, are you mad? मैं can't you see मैं पढ़ रहा हूँ यार। क्या कर लोगे पढ़ लिख के? हाँ क्या कर लोगे? Come on यार, what's wrong with you यार? तुम कुछ पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कहा था तुमने? क्या फेंक रहे थे तुम पार्टी में? कनिता जो कुछ भी है वो मेरी वजह से? Like really? देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पूरक हैं एक दूसरे के, और हम दोनों की कामयाबी में हम दोनों का हाथ है। So as simple as that. Sorry बेबू, तुम्हारी कामयाबी तो है ही नहीं तो मेरा हाथ होने का सवाल ही नहीं उठता। और जहां तक मेरी कामयाबी का सवाल है तो आई एम सॉरी, उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूं ना वो मेरी वजह से हूं। आज कानपुर शहर में मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ईमानदारी और मेरे हार्डवर्क की वजह से है। अनु, थोड़ा बहुत योगदान तो हमारा भी है इसमें। हाँ है ना तुम्हारा योगदान, तुमने मेरी इज्जत को सिर्फ और सिर्फ डैमेज किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कानपुर शहर में जितने लोग भी जानते हैं वो तुम्हारी इज्जत करते हैं मेरी वजह से, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? वो ये हंस कर रहे पागलों की तरह। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जोक है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उल्टा कानपुर शहर में जो दो चार लोग तुम्हें जानते भी है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जानते हैं। ये जो तुम्हारी इज्जत है जरा से भी वो मेरे नाम के लिहाज की वजह से ना कि तुम्हारी वजह से। अनु ये तुम नहीं, तुम्हारा घमंड बोल रहा है, तुम्हारा गुरूर बोल रहा है, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हारे रहम और करम पे जिंदा हूं? माफ करना, आज कानपुर शहर में तुमसे कहीं ज्यादा इज्जत मेरी है। ये मोर मसूर की दाल, ढेले भर की इज्जत नहीं है तुम्हारी। अगर मैं आज अपना नाम हटा दूं और लोगों से ये कह दूं कि मैं और विभू अलग हो गए हैं तो कोई तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा, समझे? तो ठीक है, ये खबर मैं कानपुर शहर में फैला देता हूँ और लोगों से कह देता हूँ कि अगर आप लोग मेरी इज्जत
अनु की वजह से करते हैं तो मत कीजिए। अगर आपको इज्जत करनी है तो मेरी इज्जत मेरी वजह से कीजिए। That's right. Sounds good. Please. Let me tell you कि तुम्हारी क्या personality है? तुम्हारी personality है I, me, myself. You're the most conceited, self-obsessed, self-absorbed. बाहर बहुत ठंड है ना? हाँ, ठंड तो है. है ना? तुम्हारा बाहर सोने का इरादा है क्या? No, not at all. Not at all. Good night. Light off. Yeah, sure. Right now. झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? भाभी जी मैं बहुत गमगीन। आपको क्या गम है, आप तो बहुत ही जूली आदमी हैं। अभी जूली तो आप हैं, हम तो जॉनी हैं जूली के। अभी जी आप वो जॉली कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो आप तो बहुत ही खुश मिजाज हैं, और वैसे भी क्या गम है आपको, नल्ले हैं, कछु काम धंधा तो है ना ही, ना तो काम पकड़ने का कोनो गम है, ना काम छोड़ने का कोनो गम है, तो फिर क्या गम है? अभी जी आप भी अनु के समान बोलने लगी। हाँ मतबल? दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें उनका हंस देना हमारे हाल पे अच्छा लगा। मर बे हया। अभी जी मैं आप कितनी बार बोल चुका हूँ आपको कि ये मरहबा होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि हमको उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आते हैं, तो अम्मा जी हमको बोलती है समझ आए या ना आए, वो कहा है कि बस जो है बाबा बोल दो। अब ऐसे का गम है आपको? अनु मेरा वजूद दबाना चाहती है। कौन? अनीता जी। हाँ अनु, वो कहती है कि अगर जिस शहर में मेरी इज्जत है तो उसका रीजन मैं नहीं हूँ, उसका रीजन अनु है, अनु की वजह से मेरी इज्जत है। But respect me because of अनु। हाँ नहीं, आप समझी रहे, अनु का ये कहना है कि जो लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा आदर करते हैं, वो मेरी वजह से नहीं करते, वो अनु को यह तस्लीम करते हैं अनु की वजह से। तो मैं कहा झूठ बोल दी हूँ भाभी जी? हाँ तो भाई, तो अनीता जी ठीक तो बोल रही है, वो जो लोग आपका इज्जत करते हैं, आपके सामने सलीम करते हैं, भाभी जी वो तस्लीम होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, उनमें आपका कोनो हाथ नहीं है, वो अनीता जी की वजह से तो है। Are you trying to say, मतलब आपका ये मतलब? मत बल ई कि हम भी जो आपका सम्मान करते हैं, आपका इज्जत करते हैं, भरभूति जी करके बात करते हैं, वो सब अनीता जी की वजह से तो है। अगर आप अकेले होते तो हम तो आपको यहाँ खड़ा भी नहीं करते, आप हमारे सामने आते ना तो धक्का मार के बोलते चल फुट भरभूति। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।